नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नमस्कार 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 नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? ठीक है, आप कैसे हैं सर? सर आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, आप तबीयत ठीक है? बिल्कुल, अब कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वो फीवरिश हो रहा था काफी, तो लग रहा था कि मैंने कहा फीवर में दिक्कत तो होती है, मैंने कहा चलो आराम कर लिया जाए। और तपन, तुम्हारी आज छुट्टी होती है? तपन जरा अनम्यूट कर लो, म्यूट करके लगता है कहीं चला गया है। चलिए खैर, फिर भी शुरू करते हैं। बीच में ऐसा कोई है जिसकी सैटरडे छुट्टी ना होती हो हमारे इस बैच में? मनीष शाह जी या अजय शर्मा जी, अतुल जी, टॉनिंग, शिवा प्रसाद नाथ। शिवा तो पब्लिक सेक्टर में है तो उसकी छुट्टी तो होती ही होगी। खैर अच्छा ठीक है, चलिए खैर बाद में बात कर लेंगे क्लास के बीच में। हाँ अतुल जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, अपने जो बिजनेस का बच्चा रहता है चल जाता है, इतना घंटा भर आगे पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे लिए ज्यादा टाइम कन्वीनियंट है। हाँ ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। अब आज हम लोग दशा कंप्लीट कर देंगे। हमने ग्रहों के फल के बारे में पढ़ा, दशा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे वो सारा हम कर लेते हैं, क्योंकि आज हम दशा पढ़ने के बाद उसके बाद मेन एस्ट्रोलॉजी शुरू कर देंगे कि भावों के फल कैसे होते हैं, जो कुंडली प्रेडिक्शन के नियम क्या क्या होते हैं, वो नियमों के बारे में हम लोग बात करना चालू कर देंगे आज दशा पढ़ने के बाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक भी और आने वाली टॉपिक्स भी। देखिए इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने सुना होगा ये शास्त्र है बृहत पाराशर होरा शास्त्र, शायद कुछ लोगों के पास किताब हो, उसकी खरीदी हो। तो बृहत पाराशर होरा शास्त्र जो बुक है वो बनी कैसे है? वो बनी ऐसे है कि उसमें दो लोगों का संवाद है। संवाद किस किस का है? संवाद है, एक मुनि है, ऋषि है, उनका संवाद है, और एक संवाद है मैत्रेय जो शिष्य है, उनका संवाद है। मैत्रेय और कोई नहीं, मैत्रेय वही हैं जिन्होंने फलदीपिका किताब लिखी है। मंत्रेश्वर, मंत्रेश्वर महाराज जो हैं वही मैत्रेय हैं जिन्होंने फलदीपिका बुक लिखी है, वो मैत्रेय हैं। तो उनका और ऋषि पाराशर का संवाद है। तो वो ऋषि से पूछते हैं, ऋषि पाराशर से, कि मुनि आपने मुझे बहुत चीजों के बताया, दशा के बारे में बताया, आपने बताया कि दशाएं बहुत सारी होती हैं और सबसे बढ़िया दशा कलयुग के अंदर विमसोत्तरी दशा होती है, ये आपने बताया। लेकिन मैंने इनके फल के बारे में थोड़ा अगर आप बता देते तो बड़ा अच्छा होता। तो वो यही बोलते हैं कि श्रुताश्च बहुधा भेदा दशानाम च मयामुने फलम च कीदृशम तासा कृपया में तदुच्यताम। मैत्रेय बोले, हे मुने मैंने दशा के भेदों को सुना, अब इन दशाओं के फलों को भी कृपा कर बताइए कि दशाओं के फल मिलते कैसे हैं। तो पाराशर जी का कहना यह था, जो ऋषिवर हैं जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी, ज्योतिष की रचना करी पूरी, जो महर्षि वेदव्यास के पिता भी हैं। महर्षि वेदव्यास जो महाभारत वाले थे, उनको आप लोग जानते होंगे। तो पाराशर जी कहते हैं कि साधारणम विशिष्टश्च दशानाम द्वितफलम ग्रहणाम च स्वभावेन स्थान स्थिति वशेन च। ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ साधारण या विशिष्ट, दो तरह के फल मिलते हैं ग्रह के। एक ग्रह के फल मिलते हैं साधारण, एक मिलते हैं विशिष्ट। दशा में दशानाम साधारण है, विशिष्ट से दशानाम द्विद फलम, यानी साधारण और विशिष्ट दो प्रकार के फल दशा के अंदर मिलते हैं। कौन से? ग्रहणा च स्वभावेन, यानी ग्रहों के स्वभाव के अनुसार, और स्थान स्थिति वशेन च, और उनकी स्थान के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार, कौन कौन से भाव उनके पास हैं उसके अनुसार फल मिलते हैं। तो उन्होंने, ऋषि ने बहुत ही आराम से बड़े सही शब्दों में कहा है कि ग्रहों के जो फल होते हैं दो तरह के फल मिलते हैं, एक साधारण और एक विशिष्ट फल। साधारण फल वो होते हैं जो ग्रह अपने स्वभाव के कारण वश देता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रहों के कारकत्व जो होते हैं हमारे, जैसे गुरु का कारकत्व है ज्ञान देना, धन देना, संतान देना, बुध का कारकत्व है पढ़ाई करवाना, गणित की शिक्षा दिलवाना। तो ये सब कारकत्व होते हैं ग्रहों के, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो एक तो फल मिलेगा जो कारकत्व है उनका, और दूसरा फल मिलेगा कि किस स्थान पे वो बैठे हैं, किस स्थान के स्वामी हैं, किस स्थान को देख रहे हैं, वो सारे फल भी उसके अंदर मिलते हैं। यही ऋषि पाराशर ने कहा जो मैंने आपको पीछे बताया। अब ये कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अब वो ये बोलते हैं कि ये फल तो मिलते हैं, तो ये फल कैसे मिल पाते हैं? तो उन्होंने एक ऋषि पाराशर ने ये बताया इसके अंदर कि ग्रहों की दशा के फल उनके बल के अनुसार होते हैं। ग्रह वीर्यानुसार इसमें लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक में, ग्रह वीर्यानुसार मतलब ग्रहों के बल के अनुसार, यानी जो ग्रहों की दशा के फल होते हैं वो ग्रहों के बल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ग्रह बली होगा तो फल अच्छे मिलेंगे, ग्रह कमजोर होगा तो फल अच्छे नहीं मिलेंगे। बली कब होगा ये मैंने आपको बताया है कि केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो तो बली होता है, 6, 8, 12 भाव में हो तो कमजोर हो जाता है, या नीच राशि में बैठा हो, 6, 8, 12वें भाव में बैठा हो, पाप ग्रह से द्रष्ट हो, इस तरीके से वो कमजोर पड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऋषि पाराशर ने कहा कि देखिए जो ग्रहों के फल मिलते हैं वो उनके बल के अनुसार मिलते हैं। अगर ग्रह बली होगा, ग्रह में ताकत है कि वो आपको 100 रुपये दे सके तो 100 रुपये देगा, अगर उसमें ताकत है कि वो आपको 80 रुपये दे सकता है तो 80 रुपये देगा, और अगर उसमें ताकत है कि वो फल नहीं दे सकता, आपको 10 रुपये दे सकता है तो 10 रुपये देगा। तो ग्रहों के बल फल जो हैं वो उनके बल के अनुसार मिलते हैं। और तीसरी चीज उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी पूछा ऋषिवर से कि हे ऋषिवर ये तो बताइए कि अब एक ग्रह की दशा 6 साल की है, मान लिया जैसे सूर्य की दशा 6 साल की है, केतु की दशा 7 साल की है, सूर्य की दशा आ गई तो फल कब मिलेंगे? सूर्य के फल कब मिलेंगे? दशा के आरंभ में मिलेंगे, दशा के अंत में मिलेंगे, या दशा के मध्य में मिलेंगे? तो उसके लिए ये श्लोक है, उन्होंने बोला है आद्य द्वेषकांड के खेटे दशा आरंभे फलवदेत। वो कहते हैं कि प्रथम द्वेषकांड में जो ग्रह हो उसको दशा के आरंभ में फल मिलते हैं। द्वेषकांड क्या चीज होती है? द्वेषकांड होती है कि किसी भी डिग्री के 3 हिस्से करना। हमारे जो एक भाव होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। अब 30 डिग्री के हमने 3 हिस्से कर लिए, तो एक भाव हो गया, एक द्वेषकांड हो गया 0 से 10, दूसरा द्वेषकांड हो गया 10 से 20, और तीसरा द्वेषकांड हो गया 20 से 30। तो ये 3 द्वेषकांड हमारे बन गए। तो वो कहते हैं कि जो ग्रह 0 से 10 के बीच में है यानी प्रथम द्वेषकांड में है उनका फल दशा के आरंभ में, जो ग्रह द्वितीय द्वेषकांड में है यानी जो 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है उनका फल दशा के मध्य में, और जो ग्रह तीसरे द्वेषकांड में है यानी 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है उनका फल अंत में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फल मिलेंगे तुम्हें हैं। हमने ये तो सब सीखा कि फल मिलेंगे, ये होगा, वो होगा, वहां के फल मिलेंगे, लेकिन फल मिलेंगे कब? ये उन्होंने बताया है कि जब दशा हो तो उस दशा में ग्रह की डिग्री देख लो कितनी है, और ग्रह पहली चीज तो ये है कि ग्रह के बल के अनुसार फल मिलेंगे। दूसरी चीज ये कि ग्रह की डिग्री अगर 0 से 10 के बीच में है तो दशा के आरंभ में, 10 से 20 के बीच में है तो दशा के मध्य में, और 20 से 30 के बीच में है तो दशा के अंत में फल मिलते हैं। तो आप अपने हिसाब से तारतम्य से दशा को डिवाइड कर सकते हैं। 19 साल की दशा है तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए 6-6 साल में, 20 की दशा है या 12 की दशा है, 10 की दशा है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने ये कहा कि ये जो फॉर्मूला आपको बताया है ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है अगर ग्रह वक्री हो। वक्री ग्रह आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके आगे वह लिखा होता है ग्रह के आगे, वो मैंने आपको थोड़ा उसके बारे में बताया नहीं है, वक्री के बारे में वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये समझिए कि ग्रह अगर वक्री हो, जहां पे वह लिखा रहता है सॉफ्टवेयर के आगे, वक्री ग्रह हो जाता है तो उस केस में उल्टा होता है। वक्री ग्रह मीन्स का मतलब होता है कि ग्रह का वापस चलना। जैसे हर ग्रह, एक ग्रह मान लिया 9 नंबर राशि में है, अब वो 2 उसके मार्ग होते हैं, एक होता है मार्गी, एक होता है वक्री। मार्गी मार्ग ऐसा होता है कि वो 9 नंबर से निकल के 10 नंबर राशि में जाएगा, और वक्री मार्ग ऐसा होता है कि वो 9 नंबर राशि से निकल के 8 नंबर राशि में वापस आएगा। तो ग्रह अपने जीवन काल में कभी ना कभी वक्री जरूर होते हैं। ग्रह का टाइम होता है कि वो वक्री होते हैं 4 महीने के लिए साल में, 3 महीने के लिए, ऐसे करके वक्री होते हैं, जिससे कई बार महीना बड़ा भी हो जाता है। कई बार हम कहते हैं कि यार मंगल एक राशि के अंदर 45 दिन रहता है, लेकिन इस बार तो मंगल ने 3 महीने लगा दिए। वो 3 महीने से लगा दिए कि मंगल जिस राशि में था उससे बैक हो गया वक्री होके, अब फिर उस राशि में आया, फिर उससे आगे गया, तो उसके बाद 3 महीने से ऊपर निकल गए। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जो ग्रह वक्री हो, आप ये तो कुंडली में आपको मालूम चल जाएगा कौन सा ग्रह वक्री है, उस केस में क्या है कि मान लिया सूर्य की बात कर रहे हैं हम लोग, या हम लोग चलिए सूर्य की बात ही कर रहे हैं, 6 साल की दशा है तो हमने डिवाइड कर लिया 2-2 साल में। सूर्य 0 से 10 के बीच में है तो सूर्य के 2 साल में, 10 से 20 के बीच में है तो 20 के 2 साल में, और 20 से 30 के बीच में है तो आखिरी 2 साल के अंदर फल मिलेंगे। लेकिन सूर्य अगर वक्री हो तब उल्टा हो जाएगा, यानी 20 से 30 वाले जो फल हैं, 20 डिग्री से 30 डिग्री का फल दशा के आरंभ में मिल जाएगा, 10 से 20 वाले का फल दशा के मध्य मिलेगा, और 0 से 10 वाले का फल दशा के अंत में मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रह आपका मार्गी है या वक्री है। वक्री ग्रह वैसे नॉर्मली जब ही होते हैं जब वो सूर्य से 6 घर से आगे निकल जाते हैं, तभी वक्री होते हैं। सूर्य का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आल्दो सूर्य वक्री नहीं होता, बाकी ग्रह वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते, बाकी ग्रह वक्री होते हैं। और वो वक्री जब होते हैं जब बाकी ग्रह जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं, चाहे मंगल हो, शनि हो, बृहस्पति हो, जब सूर्य से 5 या 6 घर आगे वो हो जाते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं। कभी भी किसी कुंडली में देखना कि सूर्य से 5 या 6 घर आगे अगर कोई ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है या शनि बैठा है या बृहस्पति बैठा है, तो वो वक्री होगा। तो वक्री होगा तो फल तो दशा के अंदर मिलेगा, लेकिन वही है कि पहले दृष्टांत का फल शुरू के 0 से 30 डिग्री का फल जो है वो अंत में मिलेगा, 10 से 20 का फल मध्य मिलेगा, और 20 से 30 का फल दशा के आरंभ में मिल जाएगा। इसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ग्रह बली कैसे और ग्रह कमजोर कैसे, तो उन्होंने सिंपल एग्जाम्पल दिया कि दशा स्वामी यदि लगन में हो, उच्च राशि में हो, स्व राशि का हो, मित्र राशि में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, केंद्र त्रिकोण भाव में हो, लाभ भाव में हो, तो वो अच्छे फल देता है। और यदि 6, 8, 12 भाव में चला गया, नीच राशि में चला गया, शत्रु राशि में चला गया, तो उसका फल अशुभ होता है। इतना सिद्धांत आपको याद रखना है कि ग्रह बली कब और ग्रह निर्बल कब। बली के लिए आपको मैंने बताया कि केंद्र त्रिकोण भाव में हो, ग्रह लाभ भाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, मित्र ग्रह की राशि में हो, उच्च राशि में हो, चाहे मतलब ये सब पॉइंट्स हैं कि उसमें आपको ग्रह आप चेक करेंगे कि भाई ग्रह उच्च राशि में बैठा है क्या, ग्रह मित्र की राशि में बैठा है क्या, ग्रह जो है वो केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा है क्या। तो ये ग्रह को बली बनाते हैं। केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में ग्रह बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है तो बहुत बली। केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में ग्रह बैठा हुआ है लेकिन शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो थोड़ा कम बली। मतलब आपको तारतम्य से हिसाब लगाना पड़ेगा, लेकिन बली है। केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठने वाले ग्रह बली होते हैं, बट अगर वो शत्रु राशि में बैठे हों थोड़ा कम बली हो जाते हैं, मित्र राशि में बैठे हों तो ज्यादा बली हो जाते हैं, और उच्च राशि में हो तो और भी अधिक बली हो जाते हैं। तो ये सिंपल फंडा आप लोगों को याद रखना है। इसके हिसाब से आपको बिल्कुल भी कहीं जरा सी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेडिक्शन करने के लिए। तो ग्रह बली हो तो फल अच्छे, ग्रह निर्बल हो, कुंडली में कमजोर हो, 6, 8, 12 भाव में हो, या शत्रु राशि में हो, या नीच राशि में हो, या बुरे ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो उसके फलों में कमी आ जाती है और फल जो है उसके विपरीत मिलते हैं। फिर ये कहते हैं कि इसमें बहुत अच्छा सिद्धांत उन्होंने बताया है कि सपोज कीजिए कि आपका लग्नेश बलवान है कुंडली में। अगर कुंडली में आपका लग्नेश है, लग्नेश होता है प्रथम भाव का स्वामी, अगर वो केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है या लाभ भाव में बैठा है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, उच्च राशि में है या मित्र राशि में है, तो केंद्र का लगन आपका बलवान अगर है कुंडली में, आप अपना लगन चेक करके देखिए। अगर लगन बलवान है तो क्या होगा, जो जो फल लगन के मिलते हैं, जो फल आप लगन से देखते हैं वो फल आपके मजबूत हो जाएंगे। आप लगन से देखते हैं कि आपका नाम होगा या नहीं होगा, आपकी फेम कैसी होगी, आपकी नेम फेम कैसी होगी। तो अगर आपका ग्रह बली है, आपका लग्नेश बली है, तो उसकी दशा में आपकी नेम फेम होगी, आपका प्रभुत्व जग में बढ़ेगा, आप निरोगी रहेंगे, स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्योंकि पहले भाव से हम यही चीजें देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं, चरित्र देखते हैं, उसका नेम फेम देखते हैं। तो अगर लग्नेश बलवान हो गया तो ये सब चीज अच्छी मिलेंगी। इसी प्रकार से अगर द्वितीयेश यानी सेकंड भाव का स्वामी बलवान हो गया तो जब उसकी दशा आएगी तो क्या होगा, परिवार से अच्छी बनेगी, क्योंकि परिवार देखते हैं उस भाव से, कुटुंब की वृद्धि होगी, उत्तम बेटियां प्राप्त होती हैं। एक ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर कि उत्तम बेटी प्राप्त होती है दूसरे भाव के स्वामी की दशा। सुखपूर्वक भोजन मिलता है, वाणी के कारण आप धन उपार्जन कर सकते हैं, क्योंकि वाणी का भाव भी है दूसरा भाव, ये बताया आपको मैंने। तो वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी, अगर द्वितीय बली होगा तो सेकंड हाउस का मालिक बली होगा तो आपकी वाणी अच्छी होगी। और वाणी के हिसाब से कहते हैं ना कि आप वाणी के हिसाब से आप पैसा भी कमा सकेंगे। इसी प्रकार से तीसरे स्थान पर स्वामी अगर बली हो जाए तो आप पराक्रमी हो जाएंगे, आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, आप खेल कूद में बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप शिल्प कला में बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शिल्प कला भी इससे देखते हैं, खेल कूद भी थर्ड भाव से देखते हैं, भाई बहनों से संबंध भी थर्ड भाव से देखते हैं। तो जो जो चीज थर्ड भाव से देखते हैं वो चीज आपकी बढ़िया हो जाएगी अगर थर्ड भाव का स्वामी आपका बलवान है। बलवान कैसे है वो मैंने आपको बताया। फोर्थ भाव का स्वामी अगर बलवान है तो क्या होगा, आप सुख से रहेंगे, माता के साथ आपका सुख बहुत अच्छा होगा, स्त्री के साथ सुख पूर्वक आप रहेंगे, खेती के काम में सफलता मिलेगी, क्योंकि खेती भी देखते हैं चौथे भाव से, मन की शांति भी देखते हैं तो मन की शांति मिलेगी। आप वाहन प्रॉपर्टी एग्री भी खरीद सकेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी भी वहीं से देखते हैं, लग्जरी वाहन भी वहीं से देखते हैं। तो चौथे भाव का स्वामी अगर बलवान है तो अच्छा वाहन खरीद सकेंगे, अच्छा मकान खरीद सकेंगे। तो ये सब चीजें जो भी चौथे भाव से देखते हैं वो आप खरीद सकेंगे। पंचम भाव का स्वामी अगर बलवान हो तो आप जानते हैं कि पंचम भाव से संतान देखते हैं, संतान बहुत अच्छी होगी। पंचम भाव से विवेक और बुद्धि देखते हैं, आप बहुत विवेकी होंगे, बुद्धिमान होंगे। हायर एजुकेशन भी देखते हैं, आपकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। आप देखते हैं कि राजाओं का मंत्रित्व प्राप्त हो। राजाओं का मंत्रित्व प्राप्त होने का मतलब ये नहीं कि राजा आप रह गए, अब तो राजा खत्म हो गए। मतलब जहां भी आप काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको कंपनी का CEO है या कंपनी के बॉस लोग हैं, वो आपको एक रिकॉग्निशन देते हैं, आपको एक प्रमोट करते हैं। वो उसी दशा में जब पंचमेश की दशा होगी। अगर आपका छठा भाव का स्वामी बलवान है, छठे भाव से क्या देखते हैं आप, रोग, ऋण, शत्रु, ये सब देखते हैं। तो छठे भाव से बलवान अगर आपका है तो आपके निरोगी हो जाएंगे, आपका रोग खत्म हो जाएगा। आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वो लोन आपका पूरा हो जाएगा। आप कंपटीशन कोई दे रहे हैं तो आप कंपटीशन में पास हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन भी छठे भाव से देखते हैं। लक्ष्मी का भोग करेंगे, धन का भोग करेंगे। सप्तमेश अगर बलवान आपका है तो सप्तम भाव से क्या देखते हैं आप, नवीन वस्त्र देखते हैं, आभूषण देखते हैं, स्त्री देखते हैं, स्त्री सुख देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, डेली इनकम देखते हैं, फॉरेन कंट्री की विजिट देखते हैं। तो सप्तमेश बलवान है तो आपकी फॉरेन की विजिट्स होंगी, अच्छी फॉरेन की विजिट्स होंगी, मतलब जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। ऐसे नहीं कि आप चले गए और आके बोल रहे हो यार मैं तो बेकार चला गया वहां पे, कुछ नहीं हुआ, पैसा खर्च हो गया। तो अच्छी फॉरेन विजिट्स होंगी आपकी। स्त्री का सुख अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा आपका, अगर सप्तमेश बलवान है और उसकी दशा आ जाती है। तो जो भी कार्य करेंगे, आपको शुभ कार्य करेंगे तो आपका शुभ होगा उसके अंदर। ऐसी यात्रा करेंगे जिसमें संतोष हो, जो भी यात्रा आप करेंगे, क्योंकि यात्रा भी इसी भाव से देखी जाती है, देश विदेश की, तो वो भी आपको संतोष मिलेगा। आठवां भाव आपका, एक सेकंड, यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से कुछ अभी ठीक हो जाएगा। ये आठवां भाव से आपके पास पहुंचेगा तो रिकॉर्डिंग में मैं इसे ठीक करा दूंगा। आठवें भाव से हम लोग क्या देखते हैं, कलह देखते हैं, पीड़ा देखते हैं, रोग देखते हैं। अगर आठवां भाव किसी का मजबूत हो तो क्या होगा कि घर में कलह खत्म हो जाएगी, पीड़ा खत्म हो जाएगी, रोग खत्म हो जाएंगे, सब चीजें, प्रॉब्लम्स जो है आपकी, लंबी बीमारी कोई होती है वो भी आठवें भाव से देखते हैं तो लंबी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। नवें भाव से हम लोग क्या देखते हैं, नवे भाव से हम लोग देखते हैं कि भाग्य हमारा कैसा है, पिता के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। नवे भाव से हम अपनी PhD वाली एजुकेशन भी देखते हैं, जो PhD वगैरह करते हैं वो एजुकेशन भी देखते हैं। नवे भाव से हम कंसल्टेंसी के वक्त भी देखते हैं, अगर किसी साथ कंसल्टेंसी कर रहे हैं तो वो भी नवे भाव से देखी जाती है। नवे भाव से और हम क्या देखते हैं, पिता को देखते हैं, ये तो आपको पता ही है। नवे भाव से पिता का सुख देखते हैं, पिता को देखते हैं नवे भाव से। तो नवा भाव अगर आपका मजबूत है, नवे भाव का स्वामी आपका मजबूत है, तो उसकी दशा में पिता का सुख अच्छा मिलेगा, उसकी दशा में आपका भाग्य उदय होगा। धर्म का भाव भी है नवा भाव, आप धार्मिक कार्यों में लगेंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि पैदा होगी। तो इस तरीके से अगर ग्रह का स्वामी बलवान है तो आपको उसके रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। अब 10वां भाव बलवान अगर आपका है, 10वां भाव आपका कर्म का भाव होता है, आपके प्रोफेशन का भाव होता है, या आपके कर्म जो है, मतलब कोई भी कर्म आप करते हैं वो कर्म अच्छा निकलता है या नहीं निकलता है, वो डिपेंड करता है 10वें भाव पे कि आप कोई भी कर्म करेंगे तो आपको, क्योंकि हर प्रकार के कर्म 10वें भाव से होते हैं, इंक्लूडिंग नौकरी या प्रोफेशन जो आपका है। वो सारे 10वें भाव से आते हैं। तो 10वां भाव अगर आपका मजबूत है तो आप प्रोफेशन में बहुत तरक्की करेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी एडवांसमेंट होगी, आप मनचाही लोकेशन पे जाएंगे, आप जो भी काम शुरू करेंगे इस दशा में वो काम आपका सक्सेसफुल होगा। इसी प्रकार से 11वां भाव से हम क्या देखते हैं, लाभ देखते हैं, बड़े भाई बहन देखते हैं, लाभ देखते हैं, बड़े भाई बहन देखते हैं। तो बलवान अगर हमारा ग्रह 11वां भाव का स्वामी बलवान होगा तो उसकी दशा में लाभ अच्छा होगा, जो भी हम लोग पैसा लगाएंगे उस पर रेट ऑफ रिटर्न जो है बहुत अच्छा आएगा, उसके ऊपर ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, जो हमारे बड़े भाई बहन है उनसे हमारे अच्छे वो होंगे, संपर्क होंगे। अगर 12वां भाव है आपका, मान लिया 12वां भाव आपका स्वामी बलवान है और 12वें भाव से आप क्या देखते हैं, व्यय देखते हैं, एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं, वैसा एक्सपेंडिचर देखते हैं 12वें भाव से, रोग भी देख लेते हैं 12वें भाव से, जेल यात्रा भी 12वें भाव से देख लेते हैं। तो 12वें भाव के स्वामी अगर बलवान है तो आपका व्यय तो होगा, 12वें भाव ने आपके व्यय तो कराना है, लेकिन सदमार्ग पे होगा, सज्जनों पे होगा, अच्छे मार्ग पे व्यय करेंगे आप, अननेसेसरी का व्यय आप नहीं करेंगे। अगर 12वें भाव का स्वामी आपका बलवान है तो व्यय तो होता है लेकिन सज्जनों पे अधिक व्यय होता है। तो ये जो फल बताए गए हैं सारे, ये शुभ तभी होते हैं जब भावेश, इन्होंने फिर दोबारा से बोला है ऋषि पाराशर ने कि यदि भावेश उत्तम स्थान में बैठा हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो ये फल सब अच्छे होते हैं। यदि ग्रह शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, अस्त हो, 6, 8, 12वें भाव में हो, तो ये फल आपके बिगड़ जाते हैं। फल बिगड़ने से क्या होता है एक बार वो भी देख लेते हैं कि अगर मान लिया पहले भाव का स्वामी आपका 6ठे भाव में बैठा हुआ है, 8वें भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठ गया आके और ऊपर से अशुभ ग्रहों से ग्रस्त भी हो गया, तो क्या होगा? तो आपको ऐसे जातक का फिर आपका अज्ञातवास का भय रहता है, कहते हैं कि जेल जाने का भय भी बन जाता है। ऐसे में उसको चरित्र पे कोई दाग लग सकता है, कोई काम स्टार्ट करेगा उसकी नेम फेम में, उसके क्योंकि दाग जाएगा तो उसकी नेम फेम खराब हो सकती है, बीमार हो सकता है, क्योंकि हेल्थ भी इसी भाव से देखते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि लग्न का जो स्वामी है वो आपका बहुत कमजोर ना हो। और अगर 2य भाव का स्वामी आपका कमजोर है तो आपके परिवार से आपकी नहीं बनेगी, आपके कुटुंब से आपकी नहीं बनेगी। आप कुछ बोलने जाएंगे कहीं पे, सभा में खड़े होते हैं, आपकी वाणी अच्छी नहीं रहेगी, आप कहीं खड़े होंगे बोलने के लिए, आप एकदम जड़ हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि आप स्टेज पे जाते हैं और खड़े जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते आप क्या बोल रहे हैं, तो वो भी एक चीज हो जाती है इसके अंदर। जिस वाणी के थ्रू आप धन कमा रहे थे उस वाणी के थ्रू आप अपना इनरेस्पेक्ट कमाएंगे, रेस्पेक्ट नहीं कमाएंगे। फिर 3रे घर का स्वामी अगर बिगड़ा हुआ हो, 3रे घर का स्वामी अगर कमजोर हो, तो भाई बहन से प्रॉब्लम हो सकती है आपको, उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं, उनकी मृत्यु की आशंका हो सकती है, खेल कूद में आप हार सकते हैं, शिल्प कला में आपका मन नहीं लगेगा, मतलब जो भी 3रे भाव की चीजें हैं उनसे आपको समस्या होगी, वो उन चीजों में कमी आएगी। इसी प्रकार से 4थे भाव का स्वामी अगर कमजोर हो तो आपको मन की शांति नहीं मिलेगी, माता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे आपके, आप कोई मकान उकान खरीदेंगे तो उस पर लिटिगेशन चालू हो जाएगा, आप कोई वाहन खरीदेंगे तो वो ढंग से नहीं चल पाएगा, उसमें क्या पता उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज आपने देखनी है आपको ये जरूर देखना है कि ग्रह में बल कितना है, उसके बाद डिसाइड करना है। 5वें घर का स्वामी अगर निर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, तो फिर वही चीज के अंदर विवेक की कमी हो जाएगी, बुद्धि कमी हो जाएगी, हायर एजुकेशन में आपके व्यवधान आएगा। 6ठे भाव का स्वामी बिगड़ जाए तो फिर वही चीज, रोग होगा, आपका ऋण बढ़ जाएगा, आप अपनी EMIs को टाइम पे नहीं दे पाएंगे, आपके शत्रु ज्यादा बन जाएंगे। 7वें भाव का स्वामी अगर निर्बल पड़ जाए तो वैवाहिक जीवन आपका गड़बड़ हो जाएगा, आप किसी साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप आपकी गड़बड़ हो जाएगी, कष्ट उठाना पड़ेगा आपको। विदेश अगर यात्रा करते हैं तो आपकी विदेश यात्रा असफल रहेगी, जो भी यात्रा आप करेंगे। 8वें से यदि बिगड़ा हुआ हो आपका 8वें भाव का स्वामी, तब क्या होगा? 8वें भाव का स्वामी कलह पीड़ा का भाव होता है, लंबी बीमारी का भाव होता है, तो कलह बढ़ जाएगी घर के अंदर, पीड़ा बढ़ जाएगी, मृत्यु कारक कष्ट होगा, लंबी बीमारी हो जाएगी, अपमान होगा, दरिद्रता आएगी। 9वें भाव का स्वामी यदि दुर्बल बन जाए तब तो पिता से प्रॉब्लम, पिता को समस्या आ सकती है, पिता की मृत्यु हो सकती है, उनसे दुष्कर्म बन सकते हैं, किसी गुरुजन के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये वाला भाव गुरुओं का भाव भी होता है। धर्म के रास्ते से आप भटक सकते हैं, आप व्यसन में लग जाएंगे, शराब, जुआ, लत, ऐसी लत आपको लग सकती है। नवमेश अगर आपका दुर्बल है, दशवेश अगर आपका दुर्बल है तो उसमें क्या होगा कि कर्म भाव में आपकी प्रॉब्लम होगी। आपको या तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी या आपकी नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी, उतार चढ़ाव आता रहेगा, वहाँ बहुत से ज्यादा डांट खाने को मिलेगी और प्रॉब्लम रहेगी। तो दसवां भाव भी चेक कर लेना चाहिए कि दसवां भाव कैसा है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। 11वां भाव बिगड़ा हो तो बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहते, लाभ में कमी आ जाती है। आप एफर्ट्स तो करते हैं लेकिन उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना कि आप एफर्ट्स करते हैं। आप 100 रुपये लगाते हैं, आपको 90 रुपये मिल पाते हैं, आपको 110 नहीं मिल पाते, तो उससे कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं हुआ। 12वें घर का स्वामी अगर कमजोर हो तो आपका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, व्यय बढ़ेगा, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जातक को अनेक बीमारियां हो जाएंगी, बंधन को प्राप्त हो सकता है। तो जेल यात्रा भी 12वें भाव से देखी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई ग्रह आवेश यदि बलवान है तो उसकी दशा में शुभ फल, निर्बल है तो उसकी दशा में अशुभ फल मिलेंगे। अब इसमें दशा के बाद में दशा की चीजें कुछ आ रही हैं। यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये ध्यान रखिए इस चीज का। आप देखिए नियम है दशा के, इन नियमों को आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कि शनि की दशा यदि चौथी हो, आपका जब जन्म हुआ तो जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी की दशा होती है, ये आप सब लोग जानते हैं, पढ़ा है। तो जब आपका जन्म होगा तो आपको एक दशा मिलती है। अगर जन्म के समय ऐसे दशा ग्रह की दशा मिल गई कि उससे काउंट करने पे चौथी दशा आपकी शनि की आई या छठी दशा आपकी बृहस्पति की आई या पांचवी दशा आपकी मंगल और राहु की आई, तो कष्ट होगा। ये आप चेक कर लीजिए। आपका कई बार क्या होता है कि दशा आपकी बढ़िया होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर देखते हैं कि भाई कष्ट क्यों हो रहा है। दशा तो मेरी अच्छी है, लगन का मित्र भी है, योगकारी ग्रह भी है, दशा तो अच्छी जानी चाहिए, लेकिन कष्ट इसलिए होते रहते हैं। अच्छी तो जाएगी कि दशा अच्छी है तो अच्छी तो जाएगी, लेकिन कष्ट भी होगा। लेकिन कष्ट इसलिए होता रहता है कि हो सकता है कि वो दशा आपके जन्म लेने के बाद से चौथी दशा हो। शनि की दशा अगर चल रही है तो वो चौथी हो, बृहस्पति की दशा चल रही है तो वो छठी हो, मंगल राहु की दशा चल रही है तो पांचवी हो। तो ये लगाइए, मान लीजिए किसी आदमी, हाँ बोलिए सर। समझ नहीं आया, मतलब कि फोर्थ जब 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 पैदा होंगे जो दशा चल रही होगी उसके जब फोर्थ जो आएगी दशा वो हमेशा हाँ कष्ट का, वो कष्टकारी होगी, वो कष्टकारी होगी। अगर वो अच्छे ग्रह की दशा है, बलवान ग्रह की दशा है, लगन के मित्र की दशा है, त्रिकोण के स्वामी की दशा है, तो फल तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कष्ट भी आपको मिलेगा। जो हर कोई भी किसी की कुंडली में फोर्थ जो दशा आएगी पैदा, वो दशा जो ग्रह की आएगी। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। शनि की कोई भी फोर्थ नहीं, शनि की दशा अगर चौथी हो, अगर शनि की दशा, अगर शनि की दशा पांचवी है तो सर नहीं, फिर कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। शनि की दशा यदि चौथी हो, बृहस्पति की दशा यदि छठी हो, हाँ जी, और मंगल और राहु की दशा यदि पांचवी हो, तब प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज नहीं प्रॉब्लम होगी। अब आदमी शनि की दशा में पैदा हो गया तो बात खत्म। बृहस्पति की दशा दूसरी हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि शनि के बाद बुध की दशा आएगी, सॉरी, हाँ जी। तो बृहस्पति की भी निकल चुकी है उसकी, शनि से पहले गुरु की निकल चुकी है, तो बृहस्पति का मामला भी खत्म उसका, मंगल राहु का मामला भी खत्म उसका, कोई दिक्कत नहीं है अगर शनि दशा में पैदा हुआ तो। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके जन्म लेने के बाद आपकी चौथी दशा शनि की पड़ जाती है या पांचवी दशा आपकी मंगल और राहु की पड़ जाती है या छठी दशा आपकी बृहस्पति की पड़ जाती है, तो वो दशा आपको अच्छे फल देने के साथ साथ, अगर आपके कुंडली में वो अच्छे फल दे रहा है तो साथ में कष्ट भी देता है, चोर से भय होता है, घर में कलह और पीड़ा भी होती है। तो आपको अच्छे फल तो मिलेंगे लेकिन आपको उनका एंजॉय नहीं कर पाते। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि यदि कोई ग्रह किसी राशि के 30 डिग्री पे हो, 30वें अंश पे हो, तो वो दशा भी कष्ट देती है। आप ये भी चेक कर लीजिए कभी किसी ग्रह का कि कोई ग्रह, मैंने आपको बताया भी है कि 29 डिग्री से अगर ऊपर है या 1 डिग्री से कम है तो उसके फल पूरे नहीं मिल पाते, उसके फल कम रह जाते हैं, वो फल आपको दे नहीं पाता क्योंकि वो 30वें अंश पे आ गया, दशा वो आरंभ पे आ गया, राशि आरंभ पे आ गया, राशि अंत पे आ गया, तो राशि अंत में या राशि आरंभ में कोई ग्रह हो तो उसके अंदर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कम से कम राशि अंत में तो जरूर देख लीजिए कि कोई ग्रह 29 डिग्री से ऊपर है, 29 डिग्री नहीं 29 डिग्री से ऊपर है तो उस केस में 30 अंश के आसपास आ रहा है, तो उस केस में आपको अच्छा ग्रह होते हुए भी, मजबूत ग्रह होते हुए भी कुछ कष्ट झेलने पड़ सकते हैं जो आपको मैंने इसके अंदर बताए। जो सर इसमें 0 डिग्री भी इंक्लूडेड है, 0.1 0.2 डिग्री भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, 1 डिग्री से कम और 29 डिग्री से ऊपर। ओके अच्छा दूसरी कंडीशन, हाँ सर एक चीज मुझे चाहिए, अगर सर जैसे मेरा बुध है वो मिथुन लगन में, मेरा उसी में बुध बैठा हुआ है पर 0 डिग्री है तो हाँ। जब बुध वैसे बुध क्योंकि बुध लगन में ही बैठा हुआ है तो ये स्ट्रॉन्ग है, पर क्योंकि ये 0 डिग्री है तो जब बुध की दशा आएगी तो ये कष्टकारी रहेगी क्या? कष्ट भी आपको दे सकती है और उसके फल जो आपको मिलने चाहिए थे, मतलब आपको क्या होगा कि लग्नेश की दशा है, मैं आपसे वही बता रहा था पीछे कि देखिए ग्रह के शनि की दशा किसी की चौथी आ गई मान लिया, हाँ जी ठीक है, अब शनि उसी कुंडली में बड़ा योगकारी ग्रह है, अच्छा प्लेस्ड है, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा है, सब कुछ है, तो फल तो अच्छे देगा उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अच्छे फल के साथ साथ आपको वो कष्ट भी दे सकता है। तो आप उन फलों के लिए पूरा एंजॉय नहीं कर पाओगे उन चीजों को, मतलब थोड़ी आपको लगेगा यार जीवन में कुछ मजा सा नहीं आया, लाइफ में कुछ पूरी तरह शांति सी नहीं मिली आपको। ऐसी बुध अगर आपका 0 डिग्री पे है तो बुध आपके अच्छे फल तो देगा क्योंकि आपका लग्नेश है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो अच्छे फल तो उसने देने हैं, लेकिन बीच बीच में वो आपको कष्ट भी दे सकता है, आपको छोटे मोटे माइनर हेल्थ इश्यूज भी आपको दे सकता है, वो प्रॉब्लम्स भी आपको वो दे सकता है, ठीक है। हाँ ये इस चीज में आप यानी शनि की चौथी दशा, मंगल राहु की 5वीं और बृहस्पति की 6ठी, ये थंब रूल है, मतलब इनकी अगर 6ठी दशा आए तो ये मतलब अशुभ नहीं मानना इसको। अगर अशुभ तो देखो ऐसा है कि अगर मान लिया ये ग्रह ही अशुभ है कुंडली में, मतलब ये ग्रह 6ठे 8वें 12वें के स्वामी है ऐसे हैं, और ऊपर से 6ठी दशा हो गई, बृहस्पति 5वीं दशा हो गई मंगल की, और मंगल कुंडली के लिए अच्छा ग्रह भी नहीं है, तब तो कष्ट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर कुंडली के लिए अच्छा ग्रह है तो फल तो आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन साथ में कष्ट भी रहेगा, आप उन फल को उतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आपको लगी रहेगी कि आप ये सोचेंगे यार कुछ, मतलब जो चीज इतना सब कुछ मिला उसके बावजूद भी शांति सी नहीं मिली, पूर्ण रूप से शांति नहीं मिली, ये आप हाँ मतलब कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। सेटिस्फेक्शन तो होगा बट कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यह भी देखना है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह कहां पर है और जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वह कहां पर है। अगर महादशा जिस ग्रह की चल रही है वहां से गिनों और अंतर्दशा यदि वहां से 6ठे 8वें या 12वें भाव में है तो वो दशा कष्टकारी होती है। अंतर्दशा नाथ महादशा नाथ से 6ठे 8वें 12वें भाव में है तो वो दशा कष्टकारी होगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंतर्दशा नाथ आपका, हो सकता है कि आपका अंतर्दशा नाथ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, आपकी कुंडली में योगकारी ग्रह हो, लेकिन वो महादशा नाथ से 6ठे या 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो फिर वही कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं होगा जो मैंने आपको बताया। और दशा अगर वो आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है फिर तो दशा और भी गड़बड़ हो जाएगी उसकी। जो पहले बताया मैंने आपको वही प्रिंसिपल यहाँ लगा के चलिए आप। ग्रह बहुत अच्छा है, भली है जिसकी अंतर्दशा है, फल आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन दशानाथ से गिनने पे वो 6ठा आता है या 8वां आता है या 12वां आता है तो फल में कमी आएगी, फल से सेटिस्फेक्शन आपको कंप्लीट नहीं मिल पाएगा, थोड़ा कष्ट भी आपको होगा। और यदि वो ग्रह ही कमजोर है, अच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति अगर इसमें भी हो जाए कि 6ठा 8वां 12वां भी दशापति से हो जाए वो, तो उस केस में तो वो फिर वो उल्टा फल ही देगा। एक चीज इसमें अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोचर के 2 पॉइंट है। ये गोचर के 2 पॉइंट मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, गोचर जब आपको पढ़ाऊंगा मैं, चंद्र का गोचर अभी आने वाला है आपके इसके अंदर चैप्टर में, तब उसके अंदर ये गोचर के पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाले, तो इसलिए गोचर का पॉइंट से मत देखो। लेकिन फिर भी मोटा मोटा एक चीज आप देखो कि दशानाथ से किन किन स्थानों पर जब चंद्रमा गोचर में आता है, तब गोचर में सोच रहा हूँ कि आपको अलग से पढ़ाऊंगा ना, तो उसी के अंदर भी पढ़ा दूंगा आपको सारा ये वाला, ये तीनों पॉइंट उसके अंदर ही पढ़ा दूंगा जब आपको गोचर पढ़ाऊंगा। अभी आप गोचर समझ नहीं पाओगे क्योंकि उसके लिए मैं कुंडली लगा के बकायदा आपको गोचर पढ़ाऊंगा। गोचर हो सकता है नेक्स्ट क्लास के अंदर ही पढ़ाए, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपको गोचर आ जाए, आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह नियम याद रखिए कि यदि एक ही ग्रह केंद्र का स्वामी भी है, त्रिकोण का स्वामी भी है, जैसे मैंने बताया कि मान लिया एक ही ग्रह केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण योगकारी ग्रह, पूर्ण योगकारी ग्रह बोलते हैं उसको। तो यदि एक ही ग्रह केंद्र का स्वामी भी है, त्रिकोण का स्वामी भी है, तो वह बहुत योगकारक हो जाता है। जैसे कर्क लगन वालों के लिए मंगल केंद्र का स्वामी भी होता है, त्रिकोण का स्वामी भी होता है। सिंह लगन वालों के लिए मंगल केंद्र का स्वामी भी है, उसका स्वामी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ग्रह ऐसा है जो केंद्र का स्वामी भी है और साथ में त्रिकोण का स्वामी भी है, तो वो उसकी दशा तो अत्यंत उत्तम जाती है। तो ये चेक कर लेना चाहिए कि जिस ग्रह की अंतर्दशा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो फल मिलते हैं वो अंतर्दशा के हिसाब से मिलते हैं। महादशा आपकी प्रकृति को चेंज करती है। सर एक मिनट क्लियर करना, हाँ, थोड़ा सा कुछ। हाँ बोलो बोलो सर, मुझे रेफरेंस अपनी कुंडली से लेती हूँ तभी मैं समझ। सर मेरी जैसे मेरा शनि 12th हाउस में है, मेरी मिथुन लगन की कुंडली में बुध 1st हाउस में ही है। अब शनि की दशा में बुध की अंतर्दशा है, क्योंकि शनि की दशा सर 12th हाउस में है और कारक भी है, तो इसके मिक्स रिजल्ट होंगे। प्लस क्योंकि बुध जो है वो 12वें बैठा हुआ शनि से, तो ये इसलिए ये बुरे रिजल्ट देगा, पर क्योंकि केंद्र का लॉर्ड भी बैठा हुआ है और त्रिकोण का लॉर्ड भी बैठा हुआ है तो अच्छे रिजल्ट देगा। तो सर ये भी मिक्स रिजल्ट देगा। शनि से 12वें कहाँ बैठा है? शनि से तो दूसरा बैठा है ना वो। हाँ जी, शनि से सर कुंडली करके जरा बताइए सर। हाँ कुंडली का रेफरेंस दे दो। हाँ कुंडली का रेफरेंस बताता हूँ मैं आपको। शनि से दूसरा बैठा है वो, आपका 12वां नहीं है। अच्छा अच्छा, अगर वो 11वें भाव में होता तब शनि से 12वां होता वो। ओके ओके, अंडरस्टूड सर। हाँ बुध आपका शनि से दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो वो आपके लिए अच्छा है। बुध अच्छा, उसमें बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुंडली में दिखाता हूँ आपको, अभी कुंडली दिखाते हैं। हाँ अच्छा, कुंडली मैं लगा लेता हूँ, एक सेकेंड। आगे जो क्लासेस आएंगी इनमें तो सिविल कुंडली लगी रहेगी, बाकी कुछ चीज होगी नहीं उसके अंदर। जैसे आपके YouTube पे सर वीडियोस है ना, तो उसमें आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो ड्राफ्ट करके कुंडली बता। हाँ नहीं, कुंडली दिखा देता हूँ मैं आपको, पता चल जाएगा इससे। अगर ये डेस्कटॉप पे जाना हो तो कैसे जाएंगे, आपको ये बता सकता है आप में से? शेयर इसके Ctrl+D। सर शेयर स्क्रीन में पर्टिकुलर स्लाइड को अगर करना है तो नहीं, मुझे वो डेस्कटॉप पे जाना है, वहां से पावर पॉइंट खोलना है। आपको उसको मिनिमाइज शेयर स्क्रीन नहीं तो डेस्कटॉप सर ये भी कैसे आपने कर रखा है ये? एक सेकंड हाँ, कंट्रोल डी भी करेंगे तो डेस्कटॉप आ जाएगा। अभी मैं यहां पर हूं, एक सेकंड। सर शेयर स्क्रीन में आप डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लीजिए, पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को मत करिए सेलेक्ट, स्क्रीन को मत करिए सेलेक्ट। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपसे? हाँ सर हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा कीजिए कि क्या नाम है, रजनी जी अपनी कुंडली बताइए जरा, आपकी डिस्कस कर लें। हाँ हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बता, एक मिनट, तो आपको उससे एग्जांपल देता हूँ ना, आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ जी सर। आज आपकी डेट ऑफ बर्थ मालूम चल जाएगी सब लोगों को, बताइए। हाँ जी सर, कोई बात नहीं सर। 1 जून हाँ 1973। हाँ जी, 8:08 सर, मॉर्निंग। 08:08 मॉर्निंग। हाँ जी सर, रुड़की उत्तराखंड। अच्छा, आप रुड़की में पैदा हुई हैं आप? हाँ जी सर। अरे हाँ हाँ, आपसे शायद बात हुई थी मेरी ना। हाँ जी सर, मैं तो रुड़की से पढ़ा हूँ ना। हाँ जी सर, मैं रुड़की में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ। शादी के बाद सर दिल्ली में शिफ्ट हुई। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। हाँ जी, यू उत्तराखंड। सादा टाइम नहीं है, रुड़की। ये आपकी कुंडली? हाँ जी सर। हाँ, अब इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें एक सेकंड मैं आपको एक ला के देता हूँ। अभी हमारा लास्ट पॉइंट था कि अगर एक ही ग्रह केंद्र का स्वामी भी हो और कोण का स्वामी भी हो। हाँ जी। कैसे? कि जैसे मैंने ये यहाँ पे लगन, इसका 5 नंबर का लगन बना दिया, अभी ऐसी बना के दिखा रहा हूँ। हाँ जी। मान लो ये कुंडली 5 नंबर लगन की है। हाँ जी। तो इसमें ये ग्रह देखिए, ये मंगल की राशि है। हाँ जी। और एक मंगल की राशि ये है 8 नंबर। हाँ जी। तो मंगल ग्रह त्रिकोण का स्वामी भी है और मंगल ग्रह केंद्र का स्वामी भी है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे मंगल ग्रह की दशा जो होती है वो आपकी बहुत बढ़िया जाएगी। अगर किसी का ऐसा मंगल हो या ऐसा बृहस्पति हो या ऐसा बुध हो, केंद्र कोण का स्वामी हो या शनि हो, तो दशा अच्छी जाती है। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपकी कुंडली जो है 3 नंबर की कुंडली है। हाँ जी 3 नंबर की कुंडली में क्या ऐसा कुछ है? अब देखिए शनि जो है वो त्रिकोण का स्वामी है, आपका 11 नंबर राशि यहाँ पर है, हाँ जी, लेकिन साथ में वो आठवें भाव का स्वामी भी है, तो ये पूर्ण योगकारी ग्रह नहीं हुआ। योगकारी हाँ तो है क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि जो है वो आपके 9वें भाव में है, तो मूल त्रिकोण राशि का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो योगकारी ग्रह तो है आपका, लेकिन उतना योगकारी नहीं हुआ जितना कि अगर मान लिया इसकी एक राशि 10 नंबर यहाँ होती और 11 नंबर यहाँ होती, हाँ जी, तब तो बहुत ही बढ़िया होता ये, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, हाँ, और इसमें कोई है ग्रह? यहाँ देखो, इसको देखिए आप, ये शुक्र की राशि है, त्रिकोण का स्वामी है शुक्र, हाँ जी, और 2 नंबर 12वें भाव में है, दूसरी नंबर राशि इसकी, हाँ जी, तो एक तो राशि है त्रिकोण में उसकी, और हाँ मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण में है, लेकिन केंद्र में नहीं है इसकी दूसरी राशि, हाँ जी, तो ये ग्रह भी आपका योगकारी तो है क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है, लगन का मित्र है, बट पूर्ण योगकारी नहीं है, हाँ जी। अच्छा, तो मिथुन को केंद्र, लगन को त्रिकोण मानेंगे तो बुध हो जाएगा इनका पूर्ण योगकारी, हाँ बुध हो जाता है पूर्ण योगकारी ग्रह इनका, हाँ जी। तो यही आपको आइडिया लगाना है खाली, मतलब मेरा कहने का ये है कि एक ही ग्रह अगर आपका केंद्र का स्वामी भी हो और त्रिकोण का स्वामी भी हो तो हाँ आपका, जैसे मैं 4 नंबर लगाता हूँ इसके अंदर, देखिए हाँ जी, यहाँ पे राशि देखिए, यहाँ 8 नंबर राशि आ गई त्रिकोण में, हाँ ये होती है मंगल की राशि, हाँ जी, और 10वें भाव, ये भाव होता है केंद्र भाव, यहाँ भी मंगल की राशि है, तो यानी ये मंगल जो है ये केंद्र का स्वामी भी है और त्रिकोण का स्वामी भी, हाँ जी, तो एक ही ग्रह केंद्र का स्वामी हुआ और त्रिकोण का स्वामी हुआ, तो मंगल इस कुंडली के लिए बहुत बढ़िया ग्रह है, हाँ जी। जो भी कर्क लगन के लोग होते हैं उनके लिए मंगल जो है बहुत ही उत्तम ग्रह है, हाँ जी। अच्छा, अब आपकी कुंडली ही लगा देते हैं, तो उससे आपको डिस्कस करेंगे और आगे देख लेते हैं। अतुल जी, समझ में आया ये? अतुल जी अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। हाँ, और किसी को तपन कोई दिक्कत तो नहीं है? सर तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा सर, आई मीन अभी पूरा सर क्लियर नहीं हो रहा, बट मैं पढ़ूंगा ना एक बार आपकी ये जो है स्लाइड। हाँ हाँ, मतलब वो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक ग्रह केंद्र का स्वामी भी है, कोण का स्वामी भी है, तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके लिए बोला इन्होंने, एक ग्रह कोई त्रिकोण का स्वामी अगर है तो वो अच्छा होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी ही मैंने बताया था तुम्हें कि वो लगन के मित्र होते हैं। त्रिकोण के स्वामी बाई डिफॉल्ट लगन का मित्र होगा, हाँ जी, ठीक है, और लगन के मित्रों की दशा बढ़िया जाती है। हाँ, एक बार 4 नंबर से मतलब 4 का लगने की कुंडली बात है, 4 नंबर की, हाँ सर। आपके केंद्र में 1 नंबर की राशि और पंचमा में अष्टम में, हाँ, तो ये पूर्ण योगकारी ग्रह है मंगल, पर मंगल अष्टम में बैठा हुआ है सर ये ग्रह, तो उसके अभी वहाँ अभी उसकी पोजीशन पे मत जाओ आप, अभी पोजीशन तो आगे बताऊंगा मैं ना आपको जी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ग्रह केंद्र का स्वामी भी हो और कोण का स्वामी भी हो तो उसकी दशा बहुत अच्छी जाती है। अब वो तो अभी मैंने दशा में पीछे आपको समझाया था कि अनुकूल दशा और अनुकूल स्थिति, दो चीज बताई थी ना आपको कि दशा तो अनुकूल है। अभी हम दशा की बात कर रहे हैं, स्थिति बताएंगे फिर आपको, स्थिति आगे बताएंगे। तो अभी वहां मंगल पे 8वें भाव में मत जाइए कि मंगल 8वें भाव में बैठा है। अभी ये देखिए कि मंगल इस कुंडली के लिए पूर्ण योगकारी ग्रह है, ठीक है। 8वें भाव में जाने पे उसमें कमी आ गई मंगल के अंदर, लेकिन वो कैसे कमी आ गई वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी ये ध्यान रखिए कि कोई भी ग्रह अगर केंद्र का स्वामी भी है, कोण का स्वामी भी है, तो वो ग्रह उस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा ग्रह हो जाता है। सर एक चीज पूछनी थी, हाँ सर, जैसे अभी शनि, हाँ जी, शनि की दशा चल रही है और सर बुध की अंतर्दशा, तो सर आपने बोला था कि जो मैं बता देता हूँ, हाँ जी, हाँ, तो सर आपने बोला था जिसकी दशा चल रही है उसकी प्रकृति हमें आती है और जो फल हमें अंतर्दशा के मिलते हैं। सर मतलब अभी तो जो शनि की दशा चल रही है तो उसकी मेरी प्रकृति शनि की वजह से हो रही है, और जो अंतर्दशा बुध है, बुध के फल मिल रहे हैं मुझे, मतलब अभी मुझे। आपको फल जो मिलेंगे वो बुध के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन अच्छा। प्रकृति आपकी, जैसे प्रकृति में कह सकते हैं कि आपको थोड़ा माइनर हेल्थ इश्यूज वगैरह अगर हो, या आपको थोड़ा आलस्य हो, क्योंकि शनि आपका 12वें भाव में बैठा हुआ है, या आपका कुछ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स वगैरह हों। शनि इस कुंडली में आपके 8वें भाव का स्वामी भी है, या थोड़ी बहुत घर में पीड़ा हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो सब चीजें जो है वो तो आपकी प्रकृति में शामिल होगी। मतलब ये चीज तो आपको हो रही है धीरे धीरे, लेकिन दशा के रिजल्ट आपको मिलेंगे बुध के मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे बुध के आपको। तो बुध आपका जो बैठा, एक सेकंड एक को जवाब दे दूं पहले, फिर पूछ लीजिएगा आप। बुध जो बैठा है आपका यहाँ बैठा हुआ है, हाँ जी, बुध आपका अच्छा है चूंकि लगन का मित्र है और लग्नेश खुद ही है बुध। तो बुध आपको यहाँ के रिजल्ट अच्छे देगा, आपका नाम करेगा, नेम फेम बढ़ाएगा, आपको सही तरीके से बिल्कुल रखेगा। आप जो काम स्टार्ट करेंगी वो काम में आपको सफलता मिलेगी। बुध की दृष्टि 7वें भाव पे है, तो वो 7वां भाव आपका अच्छा रखेगा, जीवन अच्छा रखेगा, तो उसके बाद कष्टकारी भी रहेगा साथ साथ, लेकिन आपको माइनर हेल्थ इश्यूज भी देगा। अच्छा जी। तो बुध की दशा में मतलब आप कहने का मतलब ये है कि जो आप बुध की दशा में कंप्लीट एंजॉय कर पाती वो कंप्लीट एंजॉय आप नहीं कर पाएंगी। इसमें थोड़ा सा इसे कहना चाहिए कि सेटिस्फेक्शन तो होगा लेकिन कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, हाँ जी सर, आप अंदाजा लगा के चलिए इसके अंदर। हाँ जी सर। सर एक चीज और है कि अगर जैसे शनि और गुरु की तो चलती है, गुरु वक्री है और 17 डिग्री का, तो ये मध्यम में फल देगा मुझे। हाँ, ये मध्यम में फल देगा आपको दशा के। अच्छा जी क्योंकि ये 10 से 20 डिग्री के बीच में आ गया ना। हाँ जी। तो वक्री ग्रह 10 से 20 डिग्री के बीच में हो या मार्गी ग्रह भी 10 से 20 के बीच में हो तो मध्यम में ही फल देते हैं। हाँ जी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ अरुण जी, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे आपने महादशा बताया था कि महादशा सिर्फ प्रकृति का ही है, बाकी अगर महादशा अच्छी चल रही है तो जैसे सूर्य का है कि ये आप गोल्ड का व्यापार कर सकते हैं, महादशा अच्छी है, उसका कोई अपना फल नहीं देगा क्या उस पीरियड में? 6 साल का है सूर्य जैसे, तो वो अलग वो भी देगा या नहीं? नहीं, उसका स्वभाव वो रखेगा। देखिये जिस भाव का वो स्वामी है अपना फल तो बेसिकली वो अंतर्दशा में देता रहेगा आपको, जो जब भी उसकी अंतर्दशा आएगी किसी ना किसी ग्रह में उसकी अंतर्दशा तो आएगी। हाँ जी, ठीक है ना। अच्छा, तो अपना जो विशेष फल तो अपनी अंतर्दशा में देगा, अपना विशेष फल। लेकिन महादशा वाला, हाँ, जो सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है, मान लिया हाँ जी केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है और स्वामी भी अच्छे घर का है, तो सूर्य की दशा आ गई आपकी, तो सूर्य जो है आपका बड़ा अच्छा प्लेस है, सब कुछ है, तो प्रकृति आपकी पहली क्या बनेगी कि पहले तो आप बड़े अनुशासित हो जाएंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे, बड़े पंचुअल हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो पंचुअलिटी की निशानी है। हाँ जी, समय पे उगता है, समय पे डूबता है, पंचुअल आप हो जाएंगे, आपके चेहरे पे एक तेज बन जाएगा, आपके चेहरे पे एक रौनक बन जाएगी, मतलब आप थोड़ा गुस्सा भी आप में बढ़ जाएगा, एग्रेशन भी हो जाएगा। ये तो आपकी प्रकृति हो गई। और अगर आपका सूर्य खराब है तो आप बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि इनडिसिप्लिन टाइप के हो जाएंगे। चेहरे पे आपके नजर आएगा कि यार बड़ा ढलका ढलका चेहरा है, ढला ढला चेहरा है, मतलब वो नहीं लग रहा, तो ऐसी आपकी वो प्रकृति बन जाएगी। और अगर सूर्य जिस भाव में बैठा है तो उस भाव से संबंधित चीजों का भी प्रॉब्लम आपको होनी शुरू हो जाएगी लाइफ में। लेकिन जब अंतर्दशा उसकी आती है तब उसके विशेष फल मिलते हैं। जो विशिष्ट फल मैंने आपको बताया था, विशिष्ट फल जो मिलते हैं जब अंतर्दशा आती है, जब उसके विशिष्ट फल होते हैं, जहां वो उसका स्थान बैठा होता है, जहां वो देख रहा होता है, वो विशेष फल उसकी अंतर्दशा में मिलते हैं। और दशानाथ जो है वो केवल उसकी प्रकृति को चेंज करता है। जैसे सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा है, मतलब सूर्य में सूर्य, हाँ, तो आपको बड़ा अच्छा फल मिलेगा। आपको सूर्य अगर अच्छा प्लेस है, सूर्य अच्छा फल मिलेगा आपको, तो सूर्य के विशेष फल उसमें मिलेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, आपको विशेष फल मिलेंगे। अब मान लिया, देखिए दशा का प्रकृति का फर्क क्या पड़ता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि प्रकृति का फर्क ये पड़ता है कि मान लिया आपकी सूर्य की दशा है, या अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये रजनी की ही दशा अभी शनि की चल रही है, तो शनि ने कुछ इस तरह की प्रकृति की हुई है, ठीक है ना, इनके के भाई थोड़ा ये देखिए शनि यहाँ 12वें भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ है, अस्त हो रहा है शनि। अस्त में आपको आपके आगे बताऊंगा क्या है। शनि थोड़ा अस्त हो रहा है, हालांकि शनि अस्त होने से इनको ये फायदा हुआ है कि शनि 12वें भाव में चला गया, तो शनि के जो दुष्परिणाम हैं 12वें भाव के वो थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है ना। वो अभी इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो अस्त वाला आएगा, वो मैं बताऊंगा आपको कि इसमें आपका ये शनि जो है अस्त हो रहा है, तो वो थोड़ा सा, चंद्रमा भी आपका सूर्य के साथ है, शनि साथ है, थोड़ा ये स्ट्रेस भी देता है, मेंटल स्ट्रेस भी देता है, ये सब चीजें वो वाली चीज भी इसके अंदर हो जाती है। तो ये आपकी प्रकृति बनी हुई है क्योंकि प्रकृति शनि की दशा है, शनि सूर्य के साथ भी है, शनि चंद्र के साथ भी है। चंद्र आपका थोड़ा पीड़ित है क्योंकि सूर्य के साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रकृति आपकी ऐसी बनी हुई है कि मतलब आपको अच्छे फल मिलते रहेंगे, तब भी आप उनको मतलब कंप्लीटली एंजॉय नहीं कर पाएगी, ऐसी प्रकृति बन जाती है इंसान की, ठीक है ना। तो वो हिसाब किताब होता है। आप जैसे शनि में शुक्र की दशा आपकी आएगी, आपकी शनि में शनि की दशा बहुत बढ़िया आएगी, फर्स्ट क्लास दशा होगी आपकी, क्योंकि शुक्र जो है आपका इसका स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है और लगन में बैठा हुआ है, उसकी पोजीशन भी अच्छी है और त्रिकोण का स्वामी है, दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी। शनि में केतु की दशा आपकी अच्छी जाएगी क्योंकि केतु भी आपका लगन में बैठा हुआ है, तो मैंने बताया केंद्र त्रिकोण भाव में और 3-11 भाव में राहु केतु बैठे हों तो उनकी दशा अच्छी जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यही शनि में बुध की दशा है जिसमें आपको माइनर हेल्थ इश्यूज ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन फायदा भी होगा बुध की दशा में, आपका नाम भी होगा, सब कुछ होगा बुध की दशा में, ठीक है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, तो कुंडली प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और किसी को कुछ पूछना है? सर एक क्वेश्चन है, अगर कोई ग्रह वीक होता है, सपोज गलत भाव में बैठा है, दृष्ट है, तो उसके जो प्रभाव में दृष्टिफल भी उसका वीक हो जाता है क्या? नहीं, देखिए ग्रह अगर कोई वीक होता है तो उसके फल उतने ही बुरे हो जाते हैं जितना वीक होता है, और दृष्टि उससे बुरी ही रहेगी। ग्रह वीक होने में और ग्रह अस्त होने में डिफरेंस है, मैं अस्त पढ़ाऊंगा आपको भी। ग्रह अगर वीक होगा, कमजोर होगा, शुभ अशुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, अशुभ भाव में बैठा होगा, तो उसके फल उतने ही गलत गंदे मिलेंगे, उसके दृष्टिफल भी उतने ही गलत मिलेंगे। दृष्टिफल तो अगर वो शुभ ग्रह है तो अच्छे मिलेंगे, अगर वो अशुभ ग्रह है तो अच्छे नहीं मिलेंगे। अच्छा, उसके वीक और स्ट्रॉन्ग होने से उसके बल कम नहीं होंगे, ठीक है, दृष्टि पे कोई असर नहीं पड़ता उसके, ठीक है सर। उसके नैसर्गिक शुभ है या नैसर्गिक अशुभ है ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर गुरु है, मान लिया गुरु बहुत कमजोर है कुंडली में आपकी, 6, 8, 12 भाव का स्वामी है जी, बहुत कमजोर है गुरु, तो गुरु आपको अच्छे फल नहीं दे पाएगा। आपको धन की समस्या होगी, आपको संतान में समस्या होगी, आपको ज्ञान में समस्या होगी, लेकिन गुरु जिस भाव पे दृष्टि डालेगा वो भाव तो अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरु है, नेचुरली प्लैनेट है, तो दृष्टि का संबंध नहीं लेना है आपको। पर ग्रह अगर वीक होगा तो वो उसके रिजल्ट उतने और खराब हो जाते हैं। ठीक सर, एक चीज और पूछना। हाँ पूछो सर। जैसे शनि वह सूर्य के साथ बैठा हुआ है, शनि चंद्रमा के साथ बैठा है, इस पे दृष्टि भी है गुरु और मंगल की, तो सर जब शनि की दशा चलती है तो ये युतियों के भी फल देता है कि इनके साथ अटैच होके कि? हाँ, जब शनि की दशा चलेगी तो जब शनि की अंतर्दशा आएगी तो वो आपको कुछ फल सूर्य के भी देगा, सूर्य साथ मिल जाएगा, चंद्रमा के फल भी आपको वो देगा। हाँ जी, ठीक है ना। युति के फल मिलते हैं आपस में, मतलब आप देखिए ना, जैसे मान लिया 2 दोस्त बैठे हैं घर के अंदर, 2 लोग बैठे हैं घर में, हाँ जी, तो फर्क तो पड़ता ही है ना उसका भी आपके ऊपर औरा का फर्क पड़ेगा। तो जब आप कुछ काम करेंगे तो आपके काम पे कुछ ना कुछ उस बंदे की छाप भी आती है। अगर कोई अच्छा बंदा बैठा है आपके साथ में तो अच्छी छाप आती है, कोई आपके साथ बुरा बंदा रह रहा है तो आपको भी बुरा छाप आएगी, आप भी सोचेंगे यार थोड़ा सारा गलत तरीके से पैसा कमा लो, क्या फर्क पड़ता है, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी संगति कैसी है। अगर संगति अच्छी है तो अच्छा फल में आपको मिलेगा, और संगति अगर बुरी है तो आपको बुरा फल मिलेगा, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है। अब शनि की दशा है, जब आपकी शनि की अंतरदशा आएगी, शनि की अंतरदशा तो आपकी निकल चुकी है ऑलरेडी, तो कुछ है नहीं। अब शनि में सूर्य भी नहीं आने वाली है आपकी, हाँ जी, शनि में आपकी केतु आएगी, केतु के साथ कौन बैठा है, बुध बैठा है, तो केतु दशा तो वैसी अच्छी जाएगी, आपकी लगन में बैठा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बुध जो है वो तो वैसे ही अच्छा ग्रह है, आपका लग्नेश है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र की दशा आएगी आपकी शनि में, शुक्र आपका वैसे ही लगन में बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है, तो बुध अच्छा ग्रह होता है, तो वो भी बहुत शुभ है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। शनि में राहु की दशा आएगी, राहु आपका केंद्र में बैठा हुआ है, वो भी ठीक है आपके लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके लिए कोई प्रॉब्लम। आप शनि में गुरु की दशा आपकी जब आएगी 2036 में, गुरु आपका 8वें भाव में बैठा हुआ, हाँ जी। सर एक चीज रिलेटेड सर, मुझे पहले जिसको मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाती थी तो उन्होंने बोला गुरु आपका नीच में है, जो कि मैं भी अब पढ़ रही हूँ, तो वो बुरे प्रभाव देगा आपका। सर इसके जब गुरु नीच में होता है तो आपको बच्चों में प्रॉब्लम होती है या हस्बैंड के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, और आप बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाते, इंटरेस्ट लेते ज्ञान में। पर सर मैं तो उल्टा हूँ, जैसे मुझे सारे ग्रंथ पूरा पढ़ने का बहुत शौक है संस्कृत के, और सर ठीक है भाई प्रॉब्लम्स थे, बस प्रॉब्लम्स थे पर सब कुछ ठीक है, मतलब हस्बैंड भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, तो ये फिर गुरु नीच कैसे फल प्रभाव दे रहा है? देखो ना ऐसा मैं बताता हूँ, गुरु का यहाँ बैठना, 8वें भाव में बैठना, नीच की राशि तो छोड़ दो आप, नीच की राशि का तो मैंने आपको जिक्र कभी करता ही नहीं मैं, नीच उच्च राशि, क्योंकि अगर 100 बल होता है तो नीच और उच्च का बल उसमें से 3% का होता है खाली, तो आप 3% के बल को लेंगे या 97% के बल को लेंगे? आप 97% वाला ध्यान रखिए, 3% वाला बल छोड़ दीजिए। तो हम लोग हमेशा कभी भी जब कुंडली देखते हैं तो हम इस बात पे नजर डालते ही नहीं कि ग्रह उच्च का है या नीच का है ना। खैर कोई बात नहीं, आपने तो अगर इसको देख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरु 8वें भाव में, देखिए गुरु के कुछ स्वतंत्र कारक होते हैं, गुरु कुछ भाव के फल देगा। दो चीजें होती हैं, स्वतंत्र कारक तो क्या होते हैं गुरु के, स्वतंत्र कारक होता है ज्ञान देना, पढ़ाई देना, ये सब चीजें करना। तो गुरु की जब धन देना, ज्ञान देना, ये सब होगा, तो जब गुरु की दशा आएगी आपकी तो गुरु के आपको ये वाले फल तो मिलेंगे, लेकिन गुरु के जो 8वें भाव के फल हैं, यानी कलह है, पीड़ा है, कष्ट है, ये भी आपको मिलेगा। हाँ ये बात सही है, उस साथ में वो भी आए, मतलब हाँ मिला। हाँ जी तो फ्रॉडी नहीं हो सकता ना, इतना लालची नहीं हो सकता ना। हाँ जी ये एसी में से किसी की तो खोल के बैठा है, ऐसी लड़की खोली हुई है रजनी की, वो अपना पूछ रही है। जरा म्यूट कर लीजिए अपनी आवाज। अच्छा तो हाँ जी सर समझ गई अब मैं, मतलब वो सर फल मिलते हैं पर साथ में जो संघर्ष है, ऑब्स्टेकल्स भी आए हैं साथ साथ, वो आएगा। देखिए ग्रहों के दो फल मिलते हैं ना, एक तो उसके कारकत्व मिलते हैं, तो ग्रह अपने कारकत्व देता है। अब बुध जो है, बुध का कारकत्व है पढ़ाई करवाना, ठीक है। बुध अगर किसी भी भाव में बैठा हो आपकी कुंडली में, जैसी बुध की दशा आएगी आप पढ़ाई करेंगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आपकी बुध की दशा चल भी रही है अभी। हाँ जी ठीक है ना, तो बुध की दशा की वजह से ये आपकी पढ़ाई बढ़ाई ये सब चीजें चल रही है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो बुध जो है किसी भाव में बैठा हो पढ़ाई पढ़ाई करवाता है, समझ आ गई। गुरु जो है किसी भाव में हो तो ज्ञान करवाता है, वो कराता है। लेकिन जिस भाव में बैठा है अगर कमजोर है तो उस भाव के रिजल्ट को वो गड़बड़ करेगा। ठीक है सर समझ आ गई मुझे, ठीक है ना। तो इस भाव के रिजल्ट को गड़बड़ कर देगा, 8वें भाव के रिजल्ट को वो कमजोर कर देगा। ठीक है हाँ जी। तो गुरु की दशा जब आपकी आएगी तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसी हेल्थ इश्यू आपको ना हो। हाँ जी हाँ, और पूछिए, किसी ने पूछना है? सर एक चीज पूछनी थी छोटी सी। हाँ सर ये जैसे बुध है और चंद्रमा ये कंडीशनल है सर, शुभ अशुभ। अगर किस मान लो 5th भाव में बुध और शनि के साथ बैठ जाए तो बुध कौन सा शुभ ग्रह काउंट होगा या पाप ग्रह में काउंट होगा? नहीं, फिर बुध शुभ ग्रह काउंट नहीं होता अगर अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो। हाँ तो फिर उसके फल अशुभता के साथ ही सूची के अकॉर्डिंग काउंट होंगे सर? नहीं नहीं ऐसे मत लीजिए उस चीज को, उसके अंदर और चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी कि बुध किस ग्रह के साथ बैठा है। वो ग्रह पहले तो ये भी देखना है कि शनि के साथ बैठा है, अगर शनि मान लिया आपका पूर्ण योगकारी ग्रह है हाँ जी तो फल खराब नहीं होते। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा जिस ग्रह के साथ बैठा है वो ग्रह कुंडली में है क्या, मतलब कुंडली में वो अच्छा ग्रह है या कुंडली में वो अशुभ ग्रह ही है खाली बस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो ध्यान भी देना है। तो जब कुंडली आएंगी तो आपको दिखाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, और किसी का सवाल? कोई? तपन तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, मैं तो एक बार आपका ये पढ़ूंगा सर, ये जो है ना आपका जो है ना ये वीडियो आएगा ना तो मैं एक बार उसको गो थ्रू करूंगा, उसका जो आपने वो फ्रेजेस बताए थे ना सारे, तो उसको फिर लगा के ना उसके बाद मेरा क्वेश्चन फिर मैं आपसे पूछूंगा। हाँ पूछ लेना, अगर कुंडली लगवाना चाहो तो अपनी कुंडली लगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई भी कुंडली लगवाना चाहो आप लगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ये रखेंगे। और तुम्हारा सैटरडे छुट्टी होती है तपन या वर्किंग होता है? नहीं नहीं मेरी छुट्टी होती है। छुट्टी होती है, तो कोई ऐसा है जिसका वर्किंग होता है सैटरडे? सैटरडे क्लास 1 घंटा पहले कर लें क्या, क्योंकि रात को काफी लेट हो जाते हैं। हाँ कर सकते हैं। मैं तो कह रहा था दूसरी वाली क्लास भी आप थोड़ा सा लेट कर देते तो मैं ज्वाइन कर लेता। कौन सी? मैच मेकिंग वाली? हाँ यार वो दरअसल फिर जो है ना प्रॉब्लम, मेरी एक्चुअली आई नो माय व्हाट यू कॉल यू नो आई हैड अ स्मॉल डॉटर राइट, सो शी वाज बोर्न। समझ गया बच्चों के साथ प्रॉब्लम छोटी है वो। हाँ अभी 3 महीने की है तो इसलिए बच्चे के साथ प्रॉब्लम बहुत होती है, ये मैं समझ रहा हूँ बात। इसलिए सर वो टाइमिंग जो है ना रात को सोने के सुबह उठने के सर बिल्कुल ही यू नो हैपेडेड है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो चलो ये सैटरडे वाली क्लास हम लोग अगले बार से 6:30 बजे कर लेंगे। 6:30 से 7:30 8 बजे तक हो जाएगी क्लास हमारी, तो टाइमली खत्म भी हो जाएगी, हम लोग भी सब चेस कर लेंगे। अच्छा आप हाँ हमारा 7 बजे सर सही रहेगा, क्योंकि मेरा 7 बजे कर लीजिए, कोई बात नहीं 7 बजे कर लीजिए। जी सर 7 बजे कर लीजिए, ठीक है 7 बजे कर लेंगे, आधा घंटे का भी फर्क काफी पड़ जाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, और कोई किसी का पुराने से क्वेश्चन आ रहा हो, इसको मैं इसकी कुंडली तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सर ये कुंडली के लिए पूछना था, अगर केंद्र में राहु केतु है तो इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा सर? देखिए राहु केतु केंद्र में त्रिकोण में, हाँ। अगर केंद्र में राहु केतु बैठे हैं और त्रिकोण में राहु केतु बैठे हैं, या लाभ भाव में बैठे हैं या तीसरे भाव में बैठे हैं, तो वो अच्छे होते हैं। राहु केतु का 8वें भाव में बैठना और 12वें भाव में बैठना बहुत ही खतरनाक होता है। जिसके राहु केतु 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठ गए, उसकी तो वो बैंड बजा देते हैं जब उसकी दशा आती है। सर एक चीज मैं पूछना चाहती थी कि हमने ये भी पढ़ा है कि जो राहु और केतु होते हैं वो बुध की लगन में उच्च के होते हैं और बृहस्पति के लगन में नीच के होते हैं, तो ये तो बृहस्पति के लगन बृहस्पति के भाव में है सर राहु? नहीं, ऐसे ऐसे उच्च नीच का राहु का नहीं लेते हैं हम लोग वो। अच्छा। जो आपने पढ़ा है ना उच्च नीच का, राहु का कहता क्या है? राहु केतु के मैं आपको अभी, चलो मैं आप जब डिस्कस कर दिया तो आपको नियम बता देता हूँ राहु केतु के। राहु केतु में नियम ये होते हैं, 1 सेकंड में देखूं राहु केतु में कोई योग बन रहा है क्या आपका। देखिये राहु केतु का पहला नियम तो ये है कि राहु केतु 3, 6, 11वें भाव में, केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में अच्छे होते हैं। अच्छा जी। 8वें और 12वें भाव में खराब होते हैं। अच्छा नंबर 1। नंबर 2 नियम यह है कि राहु और केतु अगर अकेले हो किसी भाव में, मतलब चाहे वो केंद्र भाव में भी हो या त्रिकोण भाव में भी हो, अगर वो अकेले हैं तो दशा के अंत में वो परेशान करके जाते हैं। दशा के शुरू में अच्छा खूब देते हैं, उस भाव के रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया देंगे, लेकिन दशा के अंत में वो परेशान करके जाते हैं। क्योंकि अकेला ग्रह जो होता है ना, अकेला आपका सुशांत राजपूत भी अगर अकेला नहीं होता तो शायद उसने आत्महत्या नहीं करी होती, उस वक्त कोई साथ में उसके घर में होता था, क्योंकि फर्क पड़ता है। तो अकेला ग्रह जो है वो कुछ डिसीजन ऐसे ले लेता है जो प्रॉब्लम हो जाती है। राहु केतु छाया ग्रह है, वो डिसीजन तो कर ही लेते हैं। तो राहु केतु का पहला नियम तो ये हुआ कि केंद्र, त्रिकोण, लाभ भाव में राहु केतु अच्छे होते हैं, 8वें 12वें में बहुत खराब होते हैं। दूसरा नियम ये हुआ कि राहु केतु आपका, क्या बताया मैंने नियम दूसरा? अगर अकेले हो तो अगर अकेले हो तो दशा के अंत में वो दुख देते हैं। तीसरा, राहु केतु अगर त्रिकोण में बैठे हों और साथ में केंद्र का स्वामी बैठ जाए, जैसे ये राहु मान लिया यहाँ पर है, ये अभी राहु यहाँ बैठा नहीं है, मैं इस कुंडली में देखता हूँ, शायद देखो यहाँ मिल जाए, यहाँ भी नहीं है, इसी कुंडली में देखते हैं। कहने का 3rd नियम मतलब ये होता है कि राहु अगर बैठा हो त्रिकोण में और केंद्र का स्वामी उसके साथ आ गया, हाँ जी, तो राजयोग बन जाता है। ओके। तो वो समझो कि आपका बेड़ा पार कर देगा। इसके उल्टा राहु यदि केंद्र में बैठा हो और त्रिकोण का स्वामी साथ आ जाए तो भी राजयोग बन जाता है। अच्छा जी। ये 3-4 नियम आपको याद रखने हैं, और कुछ याद नहीं रखना। आपने राहु की उच्च राशि, राहु की नीच राशि, ये सब चीजें कुछ याद नहीं रखनी। पहली चीज कि केंद्र, त्रिकोण, लाभ भाव में राहु केतु अच्छे होते हैं। हाँ जी। दूसरी चीज, राहु केतु अगर अकेले किसी भाव में बैठे हों तो दशा के अंत में वो फल थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा फल देते हैं, केंद्र, त्रिकोण, लाभ भाव में बैठे हैं, अच्छे तो होते ही हैं वहां पे, और वहां बैठे हैं लेकिन अकेले बैठे हैं, तो दशा के एंड में वो थोड़ा सा फल गड़बड़ कर देते हैं। तीसरा नियम आपका ये हुआ कि राहु केतु अगर त्रिकोण में हो और केंद्र के स्वामी के साथ हो तो राजयोग, केंद्र में हो और त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो राजयोग। हाँ जी। और चौथा नियम ये है जो लास्ट है कि राहु केतु दोनों राशियों का फल देते हैं। जैसे आप ही कुंडली ले लेते हैं, राहु कहाँ बैठा है? 9 नंबर राशि में। हाँ जी। तो ये गुरु की राशि है। हाँ जी। तो राहु जो है वो गुरु का स्वरूप धारण कर लेता है, क्योंकि राहु क्या है? धुआं है। धुआं आपके जिस भाव में गया हो उस भाव, उस कमरे का रूप धारण कर लेगा ना, वैसे ही हो जाएगा, फैल जाएगा। अगर एक शीशी में रखोगे तो शीशी की टाइप में हो जाएगा, बड़े बर्तन में रखोगे तो बड़े बर्तन के टाइप में हो जाएगा। तो राहु यहाँ पर बैठने से आपका क्या करता है कि वो गुरु का स्वरूप, गुरु की तरह अपने आप को बिहेव करना शुरू कर देता है, और वो आपको इस भाव के फल भी देगा और वो आपको इस भाव के फल भी देगा। वो गुरु की दोनों राशियों के फल आपको देगा जब राहु की दशा आएगी। राहु केतु में आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जब राहु केतु की दशा आती है तो जिस भाव में वो बैठे हो उस भाव के फल तो देते ही देते हैं। हाँ जी। और उसके अलावा उस भाव के स्वामी की जो दूसरी राशि है उसके फल भी वो देते। ओके, समझे? हाँ जी। ये चार नियम राहु केतु में लगते हैं, इसके अलावा राहु केतु कुछ नहीं। सर यदि अगर राहु केतु पे अगर किसी शनि मंगल की दृष्टि पड़े तो? हाँ, वो तो देखिए दृष्टि तो आपने लगानी है। दृष्टि का तो अब राहु मान लिया पीड़ित हो गया, आपका केंद्रीय कोण में बैठा है, लेकिन शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, तो फर्क तो पड़ेगा ही। वो तो नियम आपने लगाना ही है कि दृष्टि अगर पड़ रही है तो गड़बड़ होती है। लेकिन अगर राहु केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा है मान लिया, और शनि के साथ बैठा है या किसी ग्रह के साथ बैठा है, तो वो उतना नुकसान नहीं करता। फिर वो आपको फिर अपनी दशा में ठीक देके जाएगा, क्योंकि वो अकेला नहीं है। अकेला वो गड़बड़ करता है। सर एक चीज और पूछनी थी सर। हाँ। ये मैंने सर पढ़ा था कि राहु जिसके साथ बैठ जाता है, जिसपे दृष्टि डालते हैं, तो उसकी पावर को बढ़ा देता है। क्या ये सच है? नहीं, वो राहु कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो बोलते हैं कि राहु क्या होता है ना, कि राहु पैशन है बेसिकली। हाँ जी। राहु से आदमी में क्या होता है कि राहु से आदमी प्लानिंग करना शुरू कर देता है, उसके अंदर पैशन आ जाता है। राहु जिस भाव में हो उस भाव की चीजें पाने के लिए आदमी के अंदर पैशन होता है बहुत। अच्छा जी, ठीक है। तो राहु पैशन पैदा कर देता है, तो इसलिए राहु किसी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उस ग्रह के कारकत्वों को भी वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। ओके, तो ये चक्कर होता है। जब राहु कुंडली प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो राहु केतु का पूरा डिटेल में समझेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा, सारा डिटेल में समझेंगे। अभी वो चार नियम आप याद रखिए। राहु केतु केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो तो अच्छे, नंबर 1। नंबर 2, राहु केतु केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में है लेकिन अकेले है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दशा के अंत में वो थोड़े फल गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन बढ़िया है, ऐसा नहीं सोचिए कि बढ़िया नहीं है, पर दशा के अंत में जा जाते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करा देते हैं। आपको नौकरी में प्रमोशन दिया, आपको सब कुछ दिया, होता जाते जाते थोड़ा आपका सस्पेंशन करा जाए नौकरी में, या कोई एक आध इंक्रीमेंट लेस करवा जाए आपका, ऐसा कुछ कर जाए, तो ये चीजें होती हैं। राहु केतु त्रिकोण में बैठे हों और केंद्र के स्वामी के साथ हों तो राजयोग बन जाता है। राहु केतु त्रिकोण में बैठे हों और केंद्र में बैठे हों और त्रिकोण के स्वामी के साथ हों तो राजयोग बन जाता है। राहु केतु दोनों राशियों का फल करते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की राशि का तो फल वो प्रबलता से करते हैं, फास्ट रूप से करते हैं, और दूसरा फल करते हैं वो उस भाव में जो राशि है उस ग्रह की दूसरी राशि। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये हो गया। अब हमारे राहु सूर्य की राशि में बैठ गया, 5 नंबर राशि में। अगर राहु यहाँ बैठा हो फिर तो राहु सूर्य की एक ही राशि है तो राहु फिर यही का फल करेगा, फिर तो राहु किसी और भाव का फल करेगा नहीं। हाँ जी, ठीक है ना। तो लेकिन राहु यहाँ बैठ गया 6 नंबर राशि में तो राहु 6 का भी फल करेगा, 3 नंबर का भी फल करेगा अपनी दशा में। हाँ जी, ठीक है। तो ये सब चीजें, अब कैसा फल करेगा वो आपको अभी जब कुंडली देखेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे, तब उसमें आपको सारा आएगा। तो ये था राहु केतु। अच्छा, और किसी को क्वेश्चन पूछना हो, कुंडली से संबंधित पूछना हो तो मैंने कुंडली लगा रखी है, कुछ वैसे पूछना हो तो वैसे कर लेते हैं। तो मतलब सर केतु अगर जैसे यहाँ बैठा हो आपका चौथे भाव में, इसी अगर हम ले लें सपोज एग्जांपल में चौथे भाव में, हाँ यहाँ पर मतलब 1 2 3 4 हाउस में केतु, हाँ, राइट, यहाँ पर बैठा हो। एक सेकंड, केतु तो चला गया है। हाँ, केतु अगर चौथे भाव में हो तो उस केस के अंदर आप बता रहे हो वो केंद्र का में बैठा हुआ है, राइट, है ना। तो मतलब हाँ, वो अच्छा फल देगा लेकिन आपका जाते हुए वो कुछ खराब करेगा, 4th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज होगी, राइट, जो भी चीजें खराब करेगा। मतलब आपको प्रॉपर्टी दिलवाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया दिलाएगा, लेकिन जाते जाते जब उसकी दशा खत्म होने वाली होगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब पूरे ढंग से हैं या नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है कि लिटिगेशन करवा जाए, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करा जाए, या प्रॉपर्टी में कुछ झगड़ा आपस में हो जाए, घर के अंदर ही कुछ हो जाए, ऐसी कुछ चीज छोटी मोटी वो करवा जाता है। इसलिए राहु केतु को बोलते हैं कि अकेला अच्छा है, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में अच्छा है, बट थोड़ा एंड में थोड़ी गड़बड़ करता है, वो फर्क पड़ जाता है खाली उसके अंदर। बट राहु केतु राजयोग बनाते हैं। अगर केंद्र में बैठे हो त्रिकोण के स्वामी के साथ, त्रिकोण में बैठे हो केंद्र के स्वामी के साथ, उस योग में तो वो बिल्कुल आपको समझिए कि छप्पर फाड़ के देते हैं। अगर किसी का राहु केतु केंद्र में बैठा हो और त्रिकोण का स्वामी साथ हो या त्रिकोण में बैठा हो केंद्र का स्वामी साथ हो, तो वो जब भी उसकी दशा आएगी वो छप्पर पार कर देगी। सर मतलब जब राहु में उस केंद्र के स्वामी की दशा आएगी तब, हाँ, जब केंद्र उस ग्रह की दशा है, दोनों की जब साथ आएगी, दोनों की जब साथ आएगी, ठीक, एकदम छप्पर फाड़ कर देगा। अच्छा जैसे एक और कोई कुंडली लगा लेते हैं, तो मैं देख लेता हूँ कि कहीं राहु केतु का कुछ योग बन रहा हो किसी में। केतु यहाँ पे केंद्र में बैठा है लेकिन गुरु के साथ बैठा है, गुरु लेकिन त्रिकोण का स्वामी नहीं है, तो यहाँ पे राजयोग नहीं बन रहा ये वाला। और कोई कुंडली देखते हैं। केतु यहाँ 12वें भाव में है तो यहाँ राजयोग बनेगा ही नहीं। यहाँ भी केतु इस वाले भाव में है लेकिन अकेला है, राहु इस वाले भाव में है लेकिन अकेला है, त्रिकोण के स्वामी के साथ नहीं है, तो ये भी नहीं बना योग। ऐसा कोई चार्ट मिल नहीं रहा जिसमें योग बन रहा हो, राजयोग बन रहा हो। किसी और ने कुंडली सर इसी चार्ट में बन रहा है सर, ये जो ओपन किया है आपने सर, बुध बैठा है त्रिकोण का स्वामी राहु के साथ सर। अच्छा देखो एक सेकंड, सर राहु केंद्र में बैठा है, हाँ सर, और बुध जो है वो त्रिकोण का स्वामी है, बन गया सर, तो यहाँ पे राजयोग बन गया। हाँ सर, तो जब भी राहु में बुध की दशा आएगी या बुध में राहु की दशा आएगी, इनके बारे न्यारे हो जाएंगे। सब बुध सर एक चीज बुध में राहु की, सर एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ बोलो सर। मेरी बेटी की कुंडली में मीन लगन की कुंडली है और उसमें मंगल और राहु 7th हाउस में है, क्योंकि मंगल भाग्य घर का मालिक है और वो 7th हाउस में राहु साथ बैठा, तो ये राजयोग बन गया फिर। मंगल और राहु साथ बैठे हैं 7th हाउस में, उसमें 7th हाउस में। अच्छा मंगल राहु तो केंद्र में हो गया, और मंगल कहाँ का मालिक है, बन गया बन गया भाग्य नवमेश हो गया मंगल, बन गया। बस तो आप ही कुंडली में वो राजयोग बन गया उसी कुंडली। सर चाहे वो मंगलिक भी है तो भी अच्छे फल देगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। मंगलिक तो आपने अभी मैच मेकिंग वाला मैंने पढ़ाया था ना रजनी, वो कहाँ भूल गए, मंगलिक तो बहुत कम केस में रहता है। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर, ठीक है, तो वो तो चीज भूल जाओ मंगलिक वाला, तो वो तो जब ही मंगलिक का याद रखना है जब उसकी मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12वें भाव में हो मंगल या मंगल राहु के साथ हो, तब जाके मंगलिक का ध्यान रखना। अच्छा जी, मंगल राहु उसके साथ साथ है उससे, हाँ जी, लेकिन वहाँ वो राजयोग बना रहे हैं, वहाँ वो अंगारक योग नहीं बना रहे। अच्छा ओके, हाँ जी सर मैं हमेशा पढ़ती हूँ अंगारक योग है, तो ये राजयोग है। ओके ये राजयोग है उसका, ओके तो स्वामी के साथ केंद्र में है तो राजयोग बन जाता है, ये राजयोग बन गया उसका। ओके ओके हाँ, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, हाँ जी, तभी आपको मालूम पड़ पाएगा सब चीजों का। तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम लोग अस्त ग्रह के बारे। अरे शिवा तुमने कुछ नहीं पूछा आज यार, सब समझ में आया ठीक से? हाँ सर। अच्छा तो सर एक चीज और पूछनी थी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, सर अगर सपोज जैसे कुंडली है धनु लगन की फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और उसके अंदर भी आपका ये जो है केतु आपका 4थे भाव में बैठा हुआ है ना, तो उसके अंदर भी आपका ये राजयोग बनेगा क्या? नहीं, केतु 4थे भाव में बैठा हुआ है, साथ में कौन सा ग्रह बैठा है उससे? केतु तो केंद्र में है, केतु केंद्र में है, हाँ, किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है, हाँ, तो वो आपका ये इसके जुपिटर के साथ। जुपिटर कौन से भाव का स्वामी है? लगन का। अच्छा ठीक है, हाँ, तो वो राजयोग बन जाता है, वो भी त्रिकोण मान सकते हो तुम उसको, लगन को, तो ये राजयोग बन जाता है। अच्छा वही मैं पूछ रहा था, है ना, हाँ, क्योंकि लगन वाला भाव जो होता है वो केंद्र भी होता है त्रिकोण भी होता है, दोनों में काउंट होता है। तो इस केस के अंदर मतलब जो है आपका फिर केतु की अगर सपोज किसी की दशा आती है तो उसके अंदर भी लास्ट में वो प्रॉब्लम करेगा? नहीं, फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा, फिर नहीं करेगा, फिर तो गुरु के साथ बैठा हुआ है ना, वो भी तो राजयोग बना रहा है, फिर तो वारे न्यारे करेगा। अगर केतु राहु लगन केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में अकेले बैठे हों, ऐसा नहीं है कि वो 100% तुम्हारा बुरा करेंगे, वो हमेशा अच्छा फल देंगे, लेकिन हो सकता है कि लास्ट में जाते जाते कुछ गड़बड़ कर जाए, तो दोष मत देना राहु केतु को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है, चांसेस आर देयर, प्रोबेबिलिटी इज देयर कि वो जाते जाते कुछ थोड़ा बहुत, कहते हैं ना कि भाई जाने वाला ग्रह जो होता है अशुभ ग्रह, तो वो कुछ ना कुछ तो वो बताएगा ही ना, थोड़ा बहुत तो अपना वो हिंट देगा ही, कि भैया तुम मुझे ऐसी ना आंको। हाँ तो वो बस खाली चीजें हैं और कुछ नहीं। नहीं, इस केस के अंदर मेरा क्वेश्चन ये था, केतु के साथ कुछ बैठा नहीं हुआ कोई, केतु तो अकेला ही है वहां पर चौथे भाव में, लेकिन केतु का जो आपका 4th हाउस है वहां पर आपका 12 नंबर आएगा ना आपका, तो 12 नंबर। हाँ लेकिन गुरु साथ नहीं बैठा ना उसके, अगर केतु साथ गुरु बैठा होता तब वो राजयोग बन जाता ना। अच्छा ओके, बट आपने बोला था ना सर उसका जो स्वामी हो त्रिकोण का, बट त्रिकोण का स्वामी तो उसकी राशि में बैठा ही हुआ है ना वहां पर। 12 राशि में नहीं, त्रिकोण का स्वामी राहु केतु केंद्र में हो, त्रिकोण के स्वामी के साथ हो। अच्छा, या त्रिकोण में हो केंद्र के स्वामी के साथ हो। ओके ओके ओके, तब राजयोग बन जाता। अच्छा हाँ, तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको अस्त ग्रह के बारे में पढ़ाएंगे और भाव चिंता पढ़ाएंगे। अब जो क्लास आपकी शुरू होने वाली है, अब उसको अंदर बस बहुत ध्यान से चलिए, यहाँ से बड़ा ध्यान से आपको चलना है, सब प्रेडिक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और किसी को हाँ पूछो सर। अगर समझे किसी के अगर मकर लग्न ये खुल लिया और राहु 7वां और चंद्र 7 में है तो वो राजयोग बन गया। मकर लग्न कुंडली है तो राहु किसमें है? 7वें भाव में है। 7वां हाँ, और 7 में चंद्र है। चंद्र किस भाव का स्वामी बना? 7वें भाव का ही है और 7वें में ही राहु है। नहीं हाँ, तो वो नहीं बना ना, दोनों केंद्र के हो गए ना वो तो जी। मतलब एक केंद्र, राहु केंद्र में हो त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, या राहु त्रिकोण में हो केंद्र के स्वामी के साथ हो, अच्छा तब यह राजयोग बने। तो चंद्र तो स्वग्रही है ना सर, अपने कर्क राशि का आएगा तो चतुर्थ। नहीं, स्वग्रही होने से नहीं होता, राजयोग की बात कर रहा हूँ। हाँ, राजयोग जब ही बनेगा जब राहु केतु केंद्र में हो, त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, या त्रिकोण में हो केंद्र के स्वामी के साथ। मतलब तो अगर हाँ, सूर्य और चंद्र की राशि एक एक है तो उसके मतलब वो भंग हो जाएंगे। 1 सेकेंड में हाँ, यहाँ बताइए कौन सी लगन की कुंडली है? मकर लगन की। मकर लगन, ये लीजिए मकर लगन लगा दिया। आप कह रहे हो कि चंद्र के साथ यहाँ राहु बैठा हुआ है। राहु आ गया हाँ, तो राहु केंद्र में है ठीक है, और चंद्रमा भी केंद्र का ही स्वामी है ना, तो ये राजयोग नहीं बना ना। अच्छा, अगर यहाँ चंद्रमा की जगह आपका शुक्र बैठा होता या बुध बैठा होता राहु के साथ तो राजयोग बन जाता। अच्छा, वैसे ही अगर समझो सर, अगर यहाँ पे अगर ये सूर्य के पास सिंह लग्न की कुंडली रही तो हैं, सिंह लग्न की अगर कुंडली रही 5 नंबर की हाँ, तो उसमें अगर केंद्र में राहु केतु रहे तो हाँ, केंद्र में राहु केतु है यहाँ पे। और अगर कोई ग्रह नहीं है साथ में, त्रिकोण में भी नहीं, तो ग्रह रिजल्ट अच्छा देगा आपको। वो मैं बोल रहा हूँ कि राहु केतु रिजल्ट आपको अच्छा देंगे, लेकिन दशा के एंड में जा जाते कुछ ना कुछ पंगा कर जाते हैं। आपको राहु फल देगा 7वें भाव के, सब कुछ बहुत बढ़िया दे रहा है। केतु आपको फल दे रहा है सब बढ़िया वाला, सब कुछ अच्छा फल देगा आपको, बढ़िया देगा क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दशा का जब एंड आएगा तो उसमें जाते जाते वो कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ कर जाते हैं। मैंने आपको शायद ये थोड़ा मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने जल्दी बता दिया, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज्यादा। राहु केतु प्रॉपर्टी वाले भाव में बैठे हैं तो प्रॉपर्टी दिलाएंगे आपको, सब कुछ कराएंगे आपका, लेकिन हो सकता है कि लास्ट में जा जाते प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन कराया जाए। राहु केतु 10वें भाव में बैठे हो, केंद्र में बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाएंगे आपको, प्रमोशन दिलाएंगे, सब कुछ दिलाएंगे, पर हो सकता है लास्ट में जा जाते कोई आपसे ऐसी गलती हो जाए कि बॉस से आपको मीमो इशू हो जाए या आपका एक एग्रीमेंट कट जाए। तो ये सब चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा हो जाता है क्योंकि अकेला ग्रह थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है। सर तो राजयोग की सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी आपने राहु केतु के साथ बताई है, मतलब औरों के साथ भी आप बताओगे क्या? लाइक या सिर्फ ये राजयोग में होता है ना? नहीं, राजयोग इसी में होता है। राजयोग बनता कैसे है वो मैं तुम्हें बताऊंगा आप लोगों को। हाँ ठीक है, ठीक है ना। वो जो राजयोग तुम पढ़ रहे हो उसके अंदर किताबों पढ़ते हो, त्रिशूल योग, फलाना योग, ढिमकाना योग, वो सब योग बेकार है, कुछ नहीं है वो योग। ठीक है, सब योगों में तुम पढ़ोगे तो उसमें एक ही चीज लिखी होती है कि आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आप धनवान होंगे, आप आयुवान होंगे, बस 3 शब्द लिखे होते हैं, 3 शब्द को उन्होंने व्याख्या करी होती है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि योग राजयोग बनता कैसे है, जैसे एक राहु केतु का बताया ऐसी और बताएंगे कि राजयोग। राइट, वही मैं समझ। ठीक है, थैंक्स। हाँ, तो आज यहाँ तक रखते हैं। और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और अब मिलेंगे 7 बजे। ठीक है, सब लोग 7 बजे तैयार रहिएगा। ठीक है सर, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।